इंट्रोडक्शन अबाउट जिम, हम लोग जिम से क्या समझते हैं? जिम यदि हम लोग इसको सबसे पहला फुल फॉर्म, यदि हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको गवर्नमेंट ई मार्केट। ये एक ई कॉमर्स का जैसा वेबसाइट जैसा ही है, पर ये गवर्नमेंट के लिए है इसलिए गवर्नमेंट आया। ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे बहुत सारे हैं जो प्राइवेट कंपनीज के लिए, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, अर्बन क्लैब, सर्विसेज के लिए जाएंगे तो, प्रोडक्ट्स के लिए जाएंगे तो बहुत सारे और भी हैं, टाटा के अपने हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोग अपना ई कॉमर्स वेबसाइट चलाती है, जहाँ पे हम कोई भी चीज़ परचेज भी कर सकते हैं और डिपेंड अपॉन उस कंपनी के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। कुछ उनके क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में हम बैठते हैं तो हम प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। ये हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट का प्लेटफॉर्म है। तो सेम ऐसा ही हमारे पास एक जेम है जहां पे हम कोई भी चीज सिर्फ सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। कोई भी चीज यहाँ पे मुझे परचेज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। परचेज कौन करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट बोल सकते हो, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के लोग है वही यहाँ पे सिर्फ परचेज कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सेल कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट। ई मार्केट तो है पर ये गवर्नमेंट के बेस पे हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और बायर जो रहेगा वो ओनली गवर्नमेंट ही रहेंगे। क्लियर है? इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको गवर्नमेंट ई मार्केट के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पे दो पार्ट आता है, यहाँ पे दे दी, यहाँ पे इस बात करेंगे जेम का। तो एक है प्रोडक्ट और एक है सर्विसेज। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट मीन्स हम कोई भी चीज जिसको हम सेल कर सकते, मतलब जैसे कि आप बोलेंगे टीवी, माउस, लैपटॉप, फ्रिज, आपके जो भी सामान है, कोई कपड़े, बैग्स, तो ये जो भी चीजें हैं ये प्रोडक्ट्स है। कोई भी चीज हम उसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यदि आप यहाँ पे जेम का देखेंगे तो यहाँ पे टॉप सेलिंग में भी कुछ आपको दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर आपको लेटेस्ट में आ रहा है कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट ऑन जेम। तो ये देखिए मोबाइल, ये आपका टॉप है, यूटिलिटी व्हीकल, जो भी गाड़ीज है, ये सभी प्रोडक्ट्स है। एक एक सर्विसेज की बात करेंगे तो सर्विसेज का भी देखेंगे यहाँ पे तो आता है सर्विसेज हमारा क्या क्या है, जैसे व्हीकल। अभी यदि हम कोई गाड़ी को सेल करते हैं, डिपार्टमेंट को बेचते हैं, तो हम यहाँ पे हो गए प्रोडक्ट। पर हम यदि उनको रेंटेड बेसिस पे देते हैं, हायरिंग पे, तो ये हो गया सर्विसेज। मतलब हम यहाँ पे पूरे अपने गाड़ी को सेल नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको रेंट बेसिस पे दे रहे हैं। सेम मैन पावर, कोई यदि आप लेबर, स्वीपर, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी आदमी, मैं एज ए मैन पावर आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए कॉन्ट्रेक्टर, तो आप सर्विस प्रोवाइडर है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सर्विसेज। तो यहाँ पे दो पार्ट है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे जब चलिए हम लोग टेंडर के बारे में, जैसे ई प्रोक्योरमेंट जो वेबसाइट था, हम लोग वहां पे यदि बात करेंगे तो वहां पे तीन तरह के टेंडर निकलते थे, गुड्स, वर्क और सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है गुड्स है मतलब प्रोडक्ट, सर्विसेज है जो मैंने अभी आपको बताया, वर्क नहीं है, कोई भी चीज का काम का नहीं है। वर्क का मतलब जैसे कि सिविल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, पेंटिंग वर्क हो गया, कोई आंगनवाड़ी का बिल्डिंग बांधना है, स्कूल बांधना है, ब्रिज बांधना है, तो ये सबको हम लोग वर्क बोलते हैं। तो ऐसे वर्क का जो भी टेंडर है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे दो पार्ट अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट्स है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ 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 बोलिए क्या विशाल बोले? सर। हाँ, उसमें सिर्फ दो ही पार्ट है, एक तो प्रोडक्ट और सर्विसेज, सर्विसेस, हाँ सर, तीसरा नहीं है कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं वगैरह है, कुछ। हाँ कंस्ट्रक्शन वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क या कोई भी वर्क के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है सर। अच्छा ओके, सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, ये दो पार्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके ओके राइट। जो वर्क है वो ई प्रोक्योरमेंट में ही रहेगा, ई प्रोक्योरमेंट से आप वहीं पर रहेंगे, यहाँ पे नहीं आएगा। और किसी को सर यहां तक में कुछ पूछना है? चलो, तो हम लोग यहां तक क्या देख लिए, जो ये पोर्टल जो है गवर्नमेंट के लिए है, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी चीज परचेज कर सकता है और हम कोई भी चीज यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये पहला था। दूसरा, इसमें दो पार्ट है, एक प्रोडक्ट का और एक सर्विसेज का।
वर्क इसमें नहीं है। चलिए आगे का चैप्टर देखते हैं और जेम पे हम क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेस हो, हम किस तरीके से बेच सकते हैं या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट किस तरीके से खरीद सकता है। यदि हम लोग ई प्रोक्योरमेंट का पार्ट देखेंगे तो ई प्रोक्योरमेंट में कैसा था, ओनली उसमें टेंडर्स थे, सिर्फ टेंडर ही होगा, बिड बनेगा और बिड से ही कोई भी चीज परचेज होगा। पर यहां पे ऐसा नहीं, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, गवर्नमेंट ई मार्केट मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे कि आपको अमेजन से, मान लीजिए अमेजन से आपको कुछ परचेज करना है, तो क्या यहाँ पे टेंडर निकलता है? टेंडर में आपको कोई परचेज करना है तो आप कोई टेंडर निकालते हो, मुझे ये चाहिए ऐसा बोलते हो, अमेजन को बोलते हो आपको अभी जो शूज परचेज करना है, तो आप तो अमेजन को नहीं बोलते कि मुझे शूज परचेज करना है, कौन मुझे बेस्ट प्राइस देगा। टेंडर मतलब हमने सबको अनाउंसमेंट किया, सभी जितने भी सेलर है, मैं बायर हूं, यहाँ पे अमेजन पे मैं क्या हूँ, बायर हूँ, मतलब मुझे शूज परचेज करना है, तो मैं यहाँ पे हो गया बायर। तो मुझे यदि अभी यहाँ पे शूज परचेज करना है तो टेंडर, यदि इसका टेंडर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, मुझे मुझे अनाउंसमेंट करने पड़ते, सबको बताना पड़ता, जितने भी बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि मुझे ऐसे जूते चाहिए, जो जो प्रोवाइड करना चाहता है वो मुझे अपना रेट बता दो। उसके बाद जो सबसे बेस्ट प्राइस आता, जो सबसे कम रेट में देता, हम उनसे परचेज कर लेते। ये हो गया टेंडर, मतलब हम यहाँ पे खुद से अनाउंसमेंट करते और फिर इनवाइट करते, या फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस आता है हम उनसे परचेज कर लेते, इसको हम लोग टेंडर बोलते। तो हमको जब अमेजन से ऐसा कुछ परचेज करना है तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, हमको पसंद आया ये शूज, हम यहाँ पे गए और पसंद कर लिए, मुझे लगा कि ये मेरे बराबर रेट हमारा बराबर है ना, ये जूते मुझे पसंद आए, रेट बराबर है, इसके स्पेसिफिकेशन मतलब इसके नंबर, इसके कलर, जो भी चीजें हैं वो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिट बैठता है, तो हम यहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट एड टू कार्ट करेंगे और परचेज कर लेंगे। ये जनरली हम लोग ये प्रोसेस अपना, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट परचेस। तो सेम फैसिलिटी आपको जेम पे भी प्रोवाइड करता है, मतलब बायर जैसे कि अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप परचेस करते हो, ऐसा बायर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी यदि आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो सेम तरीके से परचेज कर सकते। पर ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे फिर, सेम डायरेक्ट परचेज। बट इसकी लिमिट, अमेजन से हमारा ऐसा कोई लिमिट नहीं है, हम यहाँ पे 10 लाख का भी सामान खरीद सकते हैं और 1 crore का भी खरीद सकते डायरेक्ट परचेज से। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल्स एक फिक्स किया है कि यदि आपको डायरेक्ट परचेज करना है, मतलब आपके पसंद से आपको कोई भी ऑर्डर डायरेक्टली किसी को देना है, तो हम इसका एक लिमिट है अमाउंट, वो उसको बोलते हैं 25,000। 25,000 तक कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो, जस्ट लाइक ऑफ अमेजन और फ्लिपकार्ट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट्स है? चलिए, तो ये एक तरीका हो गया परचेज करने का। हम लोग आते हैं दूसरा तरीका, उस अभी जो हम परचेज बताएंगे ये भी डायरेक्ट परचेज का ही पार्ट है, बट इसको बोलते हैं L1 परचेज। यहां पर भी डायरेक्ट ऑर्डर चला जाएगा, बट इसको हम लोगों का नाम दिया है L1। L1 परचेज इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है। अभी जैसे मुझे ये शूज परचेज करना है अमेजन से, तो मुझे यदि यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता बायर को, मतलब जो भी यहाँ पे परचेज करने वाले, मुझे यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता। जब कंपेयर करना पड़ता अलग अलग दो प्रोडक्ट के साथ, मुझे यहाँ पे कंपेयर करना, और जब भी हम यहाँ पे कंपेयर करते, कंपेयर करने के बाद जो सबसे बेस्ट प्राइस है उससे मुझे हम परचेज करते, मतलब विथ कंपेरिजन। यहां पर भी सेम है, यहां पर भी विथ कंपेयर करके हम परचेज कर सकते हैं, जो अमेजन या फ्लिपकार्ट पे ऐसे चीजें अवेलेबल नहीं।
इसको हम लोग बोलते हैं विथ कंपेरिजन। कंपेरिजन करके भी हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते, यहाँ पर भी मुझे कोई अनाउंसमेंट नहीं करना पड़ता कि मुझे ये परचेज करना है, डायरेक्टली जिसको चाहिए उसको ऑर्डर दे सकते हैं, पर प्राइस सबसे कम होना चाहिए आपका। सेम रूल यहाँ पर भी लागू होता है विथ कंपेयर, कंपेयर के साथ। पहले वाला 25,000 तो था, उसमें कोई कंपेयर नहीं गए, जिसको चाहिए जिनका जो भी रेट है हम उस रेट पे उनको ऑर्डर प्लेस कर दिए। यहाँ पे विथ कंपेयर, एटलीस्ट दो अलग प्रोडक्ट के साथ मुझे कंपेयर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, मतलब टोटल हो गया तीन, तीन प्रोडक्ट कंपेयर में रहेगा, अलग अलग प्राइस, सॉरी अलग अलग प्राइस बोल रहा, जो सबसे लो रेट में रहेगा उनको हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। ब्रांड अलग होने चाहिए और रीसेलर भी अलग होने चाहिए, मतलब बेचने वाले अलग होने चाहिए और दो अलग अलग ब्रांड के साथ होने चाहिए। एज एग्जांपल मुझे टीवी परचेस करना है, तो यहाँ पे सर्च कर दिए, टेलीविजन और टीवी, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट, तो मुझे यहाँ पे ये 16,900 का ये माला प्रोडक्ट, तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ आपको दो अलग ब्रांड, मतलब ये जो ब्रांड का प्रोडक्ट है उस ब्रांड के साथ आपको अलग अलग दो ब्रांड। अब ये ऑक्से स्मार्ट का है, उसके साथ ये इंटेक्स का और ग्लोबस, ये दो अलग अलग ब्रांड को हम लोग कंपेयर कर सकते, इसके साथ हम लोग दो अलग अलग ब्रांड को कंपेयर कर सकते हैं इससे ज्यादा रेट में। कंपेयर करने के बाद जो सबसे बेस्ट प्राइस आएगा उसको हम लोग ऑर्डर प्लेस करते, रीसेलर भी अलग होने चाहिए और ब्रांड भी अलग होने चाहिए। किसको बोलते हैं विथ कंपेरिजन, जिसकी लिमिट है 5 लाख, 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक आप कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो बट विथ कंपेरिजन। क्लियर है, कोई डाउट्स है तो बताओ। हेलो, हाँ बोलिए विशाल सर। सर इसमें मतलब कि जैसे किसी ने प्रोडक्ट पहले से अपलोड करके रखा है और फिर किसी और ने उससे लेस प्राइस पर अपलोड किया, तो ऐसा आई हैव हर्ड दैट देयर इज अ लिमिट कि आप इतने टाइम तक प्रोडक्ट का रेट चेंज नहीं कर सकते। नहीं, तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेट आप कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। ओके ऑल राइट सर, एक बार आपने जो प्राइस डालते हैं उससे आप प्राइस को इंक्रीज कर सकते, डिक्रीज। हेलो हेलो, हाँ सर, मतलब के प्रोडक्ट अपलोड आहे तुम्ही म्हटलं कंपेयर कसं करायचं, कंपेयर कंपेरिजन शीट मध्ये करायचं का कसं करायचं ते सांगा जरा। अभी हम लोग बिल्कुल उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते, हम अभी यहाँ पे आपको सीखना दे करना क्या है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जेम समझा रहा हूँ, सभी चीजें हम सिखाएंगे। मैंने आपको पहले बोला क्या, सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या चीज है जेम ये सिर्फ समझा रहा हूँ, करना कैसे है ये हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे एक एक करके, जब हम लोग क्लास करेंगे तब तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई चीज आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ करना क्या क्या होता है, इनके रूल्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, इतना ही बता रहा हूँ खाली। चलिए, तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप ऑफ परचेज, मतलब ऐसा परचेज हो सकता है, पहला हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया L1 जो भी डायरेक्ट परचेज का पार्ट। तीसरा है पॉइंट बिड, टेंडर, जैसे कि यहाँ पे टेंडर है, टेंडर में देखेंगे तो ऑनगोइंग बिड्स, मतलब अभी जो बिड चालू है, जैसे अभी यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, तो इसने बताया है मुझे डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, कहाँ से, यूपी का है ये टेंडर, कौन सा डिपार्टमेंट का है, होम डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश है ना, पुलिस मेरठ जोन का है। 26/9 को इसने टेंडर पब्लिश किया है, 1/10 मतलब आज तक ये टेंडर अवेलेबल है, देखो ठीक है, वो 1/10 तक अवेलेबल है। तो ये यूपी का टेंडर है, जिसने अनाउंसमेंट किया है पोर्टल पे, सबको बताया ये टेंडर आपको जिसको भरना है भरो, ये टेंडर कब तक रहेगा और आधा घंटा रहेगा, आधे घंटे के बाद ये टेंडर फिर नहीं दिखेगा किसी को, क्योंकि 7 बजे का टाइमिंग है आज।
तो ये आपका टेंडर आपको ऐसा बता दें, इसको हम लोग टेंडर बोलते हैं। डायरेक्ट परचेज में मैंने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कोई बायर ने बताया नहीं मुझे परचेज करना है, जिसको चाहिए वो टेंडर आके भरो, ऐसा कब नहीं बताया। बीड में ऐसा बताता है, उसके एक टाइमिंग रहते हैं, डेट रहते हैं, उस दिन तक कभी भी आप आके वो टेंडर को भर सकते हैं, अनाउंसमेंट करता है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेंडर। टेंडर में दो चीजें रहती है, एक इनवेलप बोल सकते हो, जनरली हम लोग टेक्निकल वर्ड में इसको बोलते हैं इनवेलप। दो इनवेलप होते हैं, एक टेक्निकल एक फाइनेंस। टेक्निकल में अभी जैसे हमारा डायरेक्ट परचेस था, तो इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, जो आपको टर्नओवर दे दो, बिड कैपेसिटी दे दो, या टेंडर के लिए एमडी भर दो, ऐसा कोई भी चीज नहीं रहता, आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता, पर टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स लग सकता है। बायर यहाँ पे आपसे इलिजिबल क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, जो आपको यदि डेस्कटॉप कंप्यूटर ये टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके पास एटलीस्ट 5 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, 10 लाख का, या 20 लाख का, या 1 करोड़ का, ये बायर डिसाइड करेगा। ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिस कंपनी का बेचोगे आप ऑथराइज्ड डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके लिए प्रूफ दे दो। ये टेंडर भरना है तो 50,000 या 1 लाख रुपए ईएमडी जमा करो, जो भी है ये बायर डिसाइड करेगा अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली, उसमें आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा जाएगा, वो आपके पास डॉक्यूमेंट सभी होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो ये टेंडर भरने के। तो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसको बोलते हैं टेक्निकल, और फिर आप रेट कोट करोगे, जो मुझे ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कितने में सेल करना है, जिसको बोलते हैं फाइनेंस। ये होता है टेंडर का प्रोसीजर। पहला टेक्निकल राउंड ओपन होगा बायर की तरफ से, टेक्निकल में जिनके डॉक्यूमेंट्स ओके रहेंगे वही लोग फाइनेंस में जाएंगे, फिर फाइनेंस में आपका जो सबसे कम रेट में भरेगा उनको टेंडर अलॉट होगी। यहाँ पर भी L1 से ही होगा, जो सबसे कम रेट में भरेगा। तो ये है बीड, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टेंडर या बीड। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स है बीड के बारे में? नो सर, क्लियर। सर विवो बोल के एक नीचे डिवाइस कनेक्ट है, विवो 1820 बोल के, ठीक है अभी रिमूव करता हूँ, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उनको बस। मैंने इनको 2-3 बार बोला, मैसेज भी किया, ठीक है रिमूव किया। विवो सर ये लास्ट आपको बता रहा हूँ, आपने यदि अपना नाम या डिटेल्स नहीं बताया तो मैं यहाँ से रिमूव किया, तो आप दोबारा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हेलो विवो वाले, ठीक है, क्लियर है यहां तक? बीड को हम लोग समझे, जो बीड क्या चीज है, अभी हम लोग आगे समझते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे बीड, यहाँ पे वन टाइप ऑफ बीड्स नहीं, ई प्रोक्योरमेंट में जितने लोगों ने भी काम किया है, बहुत सारे लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट के पोर्टल में काम किया होगा, आपको पता होगा जो ई प्रोक्योरमेंट में सभी एक ही टाइप के टेंडर होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो टेंडर के टाइप्स अलग अलग क्या क्या है, पहला बीड, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कितने टाइप ऑफ टेंडर है, और यहाँ पे जितने टाइप ऑफ टेंडर है उनको भरने का प्रोसेस अलग अलग है। पहला है प्रोडक्ट बीड, मतलब कोई प्रोडक्ट आया हो, उसके बाद सर्विस बीड, सर्विसेस का प्रोडक्ट, बंच बीड, सर्विस बंच बीड, कस्टम बीड, कस्टम बीड प्रोडक्ट, कस्टम बीड सर्विसेज, और बीओके बीड, और एक है आर, जिसको बोलते हैं रिवर्स ऑप्शन। कितने टाइप के बीड्स है ना, तो जितने टाइप के बीड्स हैं आपको ये भरने का प्रोसेस भी अलग अलग,
ऐसा नहीं है आपने प्रोडक्ट का बिड टेंडर भरना सीख गया तो आप सभी टेंडर भर लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सभी टाइप के टेंडर को भरने का यहाँ पे तरीका अलग है। इतने डर क्या बिल्कुल, जब कोई सिंगल प्रोडक्ट का टेंडर लेगा, जैसे कि यह प्रोडक्ट किसका है, सिंगल सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर का है, भले क्वांटिटी 14 है, क्वांटिटी हो सकता है 14 हो सकता है या 14,000 हो सकता है, पर प्रोडक्ट तो एक ही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक ही स्पेसिफिकेशन है, i3 के साथ 8GB रैम बोला तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट में आएगा। पर ये बंच में चिपक जाएगा, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में ही आपको i3 भी चाहिए और i5 भी चाहिए, बायर को i3 के 10 लैपटॉप चाहिए, i5 के 15 लैपटॉप चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये बंच में, या डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए प्लस वॉल फैन भी चाहिए, एक ही टेंडर में दोनों प्रोडक्ट चाहिए, तो भी ये बनेगा बंच में, ऐसे को हम लोग बोलेंगे बंच में। सर एक मिनट, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग आएगा इसको बंच में। देखो बंच में एलईडी लाइट है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट, एक टेंडर खोलेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक टेंडर डाउनलोड करता हूँ, इसको चाहिए एलईडी लाइट चाहिए, है ना। अब ये स्पेसिफिकेशन फिर से एलईडी ही चाहिए, पर कुछ अलग स्पेसिफिकेशन में होगा। अभी एलईडी 18 वाट का चाहिए, एलईडी ट्यूबलाइट 20 वाट का चाहिए, 18 वाट का अलग प्रोडक्ट है, 20 वाट का अलग प्रोडक्ट होगा। तो जब ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट लगेगा तो ये आपका बनेगा बंच बिल्ड। सेम सर्विसेज में, यदि सिंगल सर्विसेज रहा तो यहाँ पे मिलेगा मैन पावर चाहिए, सिर्फ कुक चाहिए इसको, तो मैन पावर में ये हो गया सर्विसेज सिंगल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैन पावर में ये भी मैन पावर का है, यहाँ पर भी कुक चाहिए, यहाँ पे स्वीपर चाहिए, पर कोई कुक भी चाहिए और स्वीपर भी चाहिए, तो ये हो जाएगा बंच बिल्ड। जब दो अलग अलग चीजें मिक्स हो जाएगा, मिलके एक ही टेंडर बनेगा, तो हो जाएगा वो बंच बिल्ड। कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट, यदि कोई प्रोडक्ट, ये मार्केट है, ये जेम का क्या है, मार्केट है। अब यहाँ पे हर चीज मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मिल सकती, तो यदि कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है और बायर को वही चीज परचेज करना है जो जेम के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, चलो और एक चीज समझते, अभी यहाँ पे उनको टीबी चाहिए, एक तो मार्केट में नहीं है वो प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं है, तो दूसरा उनको टेलीविजन चाहिए, पर जेम के मार्केट में मान लीजिए जो है 55 इंच का टीबी, पर बायर को चाहिए 50 इंच का है, 43 इंच का है, 32 इंच का है, 39 इंच का है। अभी बायर को 47 इंच का टीवी चाहिए जो जेम के मार्केट में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो भी वो उसका कस्टम बिल्ड बना सकता, तब उसको क्या बनाएगा वो उसका वो कस्टम बिल्ड, तब बायर वो चीज परचेज यदि बायर को करना है जो जेम के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसका वो टेंडर बनाना पड़ता है, वो टेंडर कैसा बनाएगा, कस्टम बिल्ड या बीओक्यू बिल्ड, दोनों चलता है, कस्टम बिल्ड प्रोडक्ट या बीओक्यू बिल्ड, दोनों में से कोई भी बिल्ड बना सकता है। क्या रूल बताया, यदि कोई प्रोडक्ट जेम के मार्केट में अवेलेबल नहीं, या तो वो कैटेगरी ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा चीजें मार्केट में जेम में मिलता ही नहीं है, और दूसरा चीज इनकेस मिलता है तो बायर को जो स्पेसिफिकेशन चाहिए वो स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, तो बायर उसको ऐसा कोई चीज परचेज करना है बायर को, तो उसके लिए वो कस्टम बिल्ड या बीओक्यू बिल्ड बना सकता है। सेम सर्विसेज का है, कस्टम बिल्ड सर्विसेज का, यदि मार्केट में कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, अभी उनको ऐसा सर्विसेज चाहिए तो कस्टम बिल्ड। जैसे मुझे पिछले क्लास में एक बोला था, मुझे कार्ट्रेज, वो उसका शॉप है कार्ट्रेज रिफिल करता, इंक कार्ट्रेज जो है उसको रिफिल करने का काम करता है, वो सर्विसेज नहीं है जेम पे, तो बायर को यदि ऐसा कोई सर्विसेज चाहिए तो वो उसका कस्टम बिल्ड निकाले, और उसके थ्रू से इसका जो जेम के मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जेम के मार्केट में मतलब यहां से आप सर्च कर सकते हो,
यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ऐसे आप सर्च कर, जो भी प्रोडक्ट जेम पे नहीं है उसका डायरेक्ट परचेज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होगा, मतलब L1 नहीं होगा या डायरेक्ट परचेज नहीं होगा, सिर्फ टेंडर के थ्रू से होगा और वो कस्टम बिड या बीओक्यू बिड बनेगा। और बाद में है रिवर्स ऑक्शन। देखो अभी रिवर्स ऑक्शन डायरेक्ट बंद हो गया, इसमें से कोई भी रिवर्स ऑक्शन आ सकता है, पहले प्रोडक्ट और फिर वो आरए में कन्वर्ट हो सकता है, दैट मींस रिवर्स ऑक्शन, मतलब आप वहां पे डायरेक्ट लाइव बोली लगाएंगे, पहले बिड में पार्टिसिपेट करेंगे और बिड के बाद आप उनका डायरेक्ट लाइव में बोली लगाएंगे। बोली कैसे लगाते हैं, मेरे पास एक ई प्रोक्यूरमेंट का वीडियो है, चाहे तो मैं वो दिखाता हूँ आपको, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा जो बोली डायरेक्ट लाइव कैसा लगता है। सेम वैसा ही जेम पे लगे। ठीक है, आगे क्लास में आपको कभी दिखाता हूं। तो वहां पे आपको डायरेक्ट बोली लगाना पड़ता है इसको, मतलब बार बार टेंडर में क्या होता था, आप एक बार टेंडर में कोट कर दिए जो मुझे ये टीवी देना है 50,000 को, तो आपका रेट फिक्स हो गया, किसी को पता नहीं चला रेट कितना है। ऑक्शन में ऐसा नहीं है, आपने जो रेट डाला वो जितने भी कॉम्पिटिटर सबको पता चलेगा जो आपने 50,000 कोट किया है, बाकी लोग उससे रेट कम कर सकते, फिर आपको भी मौका मिलेगा, आप भी उसके से रेट और कम कर सकते, जितनी बार चाहिए उतने बार रेट कम कर सकते, इसको ही ऑक्शन बोलते हैं। ये डायरेक्ट लाइव चलता है, सबके रेट मुझे दिखते हैं और हम जितने बार चाहिए कम कर सकते हैं, जैसे पहले आपको दिखता था बोली, इसको हम लोग आरए बोलते हैं। आरए इसलिए कि रिवर्स ऑक्शन, मतलब यहाँ पे रेट इंक्रीज नहीं होता, बढ़ता नहीं है, घटता है। 50,000 के बाद 50,000 से ऊपर बोली नहीं लगा सकते आप, उसको नीचे बोली लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आरए। बोलिए कोई डाउट है इसमें से तो बताइए मुझे। नो सर, ऑल क्लियर। तो ये टाइप ऑफ परचेज है जहां से जेम से आप मार्केट से परचेज कोई भी चीज कर सकता है बायर, इतने तरीके से है ना, प्रोडक्ट एल डायरेक्ट परचेज, L1 परचेज और बिट। अब एक नया आया है पुश टू ई प्रोक्योरमेंट, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग क्वेरी पूछ रहे थे, एक्चुअली वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, उसकी लिमिट अभी फिलहाल 1,00,000 डिसाइड किया है, वो भी एक डायरेक्ट परचेज का पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो बायर है वो इन्वाइट करेगा, तो जिनको इन्वाइट करेगा वही लोग उसमें अपना रेट कोट कर सकते हैं, पर वो 1,00,000 रुपीज तक ही रहेगा उसका लिमिट, 1,00,000। तो उसको जनरली हम लोग पहले पीआर के नाम से जानते थे, परचेज रिक्विजिशन, वो अभी आगे चालू होगा तो उसका डिटेल्स में हम आगे बात कर लेंगे, फिलहाल अभी ये चालू नहीं है परचेज का, सिर्फ आया है मार्केट में और अभी तक वो एक्टिव नहीं हुआ। आगे फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के में आपको क्या करना पड़ता है, जेम के मार्केट में आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग सबसे पहला है, तो प्रोडक्ट यदि आपको कोई भी चीज का ऑर्डर चाहिए है ना, आपको कोई भी चीज ऑर्डर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा तभी आपको ऑर्डर मिलेंगे, यदि आप लिस्टिंग ही नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, ये शूज आप परचेज कर रहे हैं अमेजन से, तो जो सेलर है किसी ना कोई सेलर ने इसको यहाँ पे तो डाला है तो ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको भी आपका प्रोडक्ट कब दिखेगा जेम के मार्केट में, सोलर चाहिए, मान लो मुझे सोलर स्ट्रीट लाइट चाहिए, सोलर स्ट्रीट लाइट। अब ये प्रोडक्ट कब दिखेगा आपका प्रोडक्ट,
जब आप लिस्टिंग करेंगे, आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा ये प्रोडक्ट को, आपके प्रोफाइल में ये प्रोडक्ट लिस्टिंग होना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपका यदि प्रोडक्ट सबसे अच्छा रहा, बेस्ट प्राइस में रहा, तो आपको ऑर्डर भी मिल सकते हैं प्रोडक्ट को। तो जेएमपी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के तीन तरीके क्या क्या? पहला है पेयर, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, पेयर हम लोग सब लोग यूज करते हैं। कितने लोगों ने पेयर के बारे में, कितने लोगों को पता है? पता है पूछा है? नहीं पता नहीं, पता है पेयर के बारे में। ओके, किसी को, कोई भी, किसी ने नहीं बोला। एक्चुअली सबसे पॉपुलर है, हम कोई भी प्रोडक्ट को पेयर कर लेते हैं, इसे हमारा प्रोडक्ट फास्ट लिस्टिंग हो जाता है बहुत ही जल्दी पेयर में। पेयर में प्रोडक्ट लिस्टिंग होने को टाइम लगता है, वो है 5 मिनट मिनिमम, कम से कम मतलब मैक्सिमम जो है 6 आवर्स मैक्सिमम टाइम, 5 मिनट से लेकर 6 आवर्स के बीच में प्रोडक्ट हमारे पास लिस्टिंग हो जाएगा पेयर में। मतलब ये पेयर हम कौन से प्रोडक्ट का कर सकते हैं? यदि प्रोडक्ट मुझे पेयर करना है तो कौन सा प्रोडक्ट कर सकते, जो मार्केट में अवेलेबल है वही प्रोडक्ट का। जैसे ये वाला प्रोडक्ट मुझे बेचना है, ये वाला प्रोडक्ट ऑलरेडी कोई बेच रहा है, ये प्रोडक्ट कोई ना कोई बेच रहा है ये वाला प्रोडक्ट, और मुझे भी यही वाला प्रोडक्ट बेचना है, तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? पेयर कर लेंगे। मतलब हमारे प्रोडक्ट, हम भी ये प्रोडक्ट को बेचने वाले, मतलब पूरे प्रोडक्ट को कॉपी कर लेंगे, मेरे प्रोफाइल में लिस्ट कर देंगे मेरे रेट में। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर। पेयर करने के लिए मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए, जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है हम वही प्रोडक्ट को पेयर कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट 14,000, मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट अभी कौन कौन पेयर किया है? यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, व्यू सेलर डिटेल्स, दिख रहा है कितने लोग इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही लोग अभी फिलहाल बेच रहा है, और वो 14,000 रेट में बेच रहा है, ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी ये बेचने को तैयार है। इसके पास क्वांटिटी अवेलेबल कितना है? 250, और मिनिमम है 10 क्वांटिटी से नीचे ये प्रोडक्ट आपको बेचेगा नहीं कोई भी बायर को। कोई बायर को 9 प्रोडक्ट चाहिए, मान लो पुणे का कोई बायर है और उसको एलईडी लाइट ही चाहिए पर 25 वाट का, पर उसको क्वांटिटी कितना चाहिए? 9 चाहिए, तो ये वाला जो रेट है उनको, ये वाला प्रोडक्ट उनको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 10 है, या कोई बायर को 250 से ऊपर चाहिए तो भी ये प्रोडक्ट उनको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। देखो एक दूसरा कोई प्रोडक्ट लेता हूं, यहाँ पे मैक्सिमम जहां पे सेलर होंगे, कॉमन आइटम लेता हूँ, एलईडी लाइट ही लेता हूँ, एलईडी स्ट्रीट लाइट सबसे कॉमन प्रोडक्ट है, ये बहुत ज्यादा चलता है, हर जगह पे लगता है और इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। शायद आप लोगों में वो किसी ना किसी ने प्रोडक्ट बेचा ही होगा। और यहाँ पे ओएम नहीं लेते, ओएम यहाँ पे दो लोग प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एक ओएम और एक रीसेलर। ओएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है खुद, जो मैन्युफैक्चर मतलब ये कंपनी खुद ये प्रोडक्ट, अपना खुद का प्रोडक्ट है ये खुद बनाती है, और ये रीसेलर है इसको जो बेच रही, मतलब ये जिल्को कंपनी है, ये खुद नहीं बेच रही है, इसको हम जैसे लोग बेच रहे हैं। जैसे क्या, कोई प्रोडक्ट को आप बेच रहे हो किसी से लेके, तो आप हो रीसेलर या ट्रेडर्स बोलते हैं। और यदि आपका खुद का ही कंपनी है, आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, तो आप उस प्रोडक्ट को एज ए ओएम बेचोगे। तो यहाँ पे दो लोग हैं, ओएम और रीसेलर। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आएंगे, एक में ओएम आएगा, एक में रीसेलर आएगा। एक अनब्रांडेड आइटम देखते हैं और एक अनब्रांडेड होता है, यहाँ पे ब्रांड लिखा है, तो यहाँ पे अनब्रांडेड मतलब वो जो कंपनी है, जो भी उस कंपनी का प्रोडक्ट है वो जेम पे लिस्टिंग नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनब्रांडेड बोलते हैं। चलिए एक भी देख लेते हैं, अभी नहीं मिल रहा है तो हाँ ठीक। तो ये प्रोडक्ट का भी कितना रेट है? 1140 यू सेलर डिटेल्स, एक ही आदमी बेच रहा है। एक मिनट अभी पता है अपने पास आ जाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट देख लो, लो टू हाई।
ये देखो अनब्रांडेड एनए लिखा है, मतलब ये प्रोडक्ट अनब्रांडेड है। जो ब्रांड का ये प्रोडक्ट है वो जेम पे लिस्टेड नहीं है। यदि जेम पे लिस्टेड नहीं है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट एज ए अनब्रांडेड 100 रुपीज में कोई बेच रहा है। इसका एमआरपी कितना है 6320 रुपए, पर कोई इसको 100 रुपीज में ही दे दे रहा है। कोई है जो दे रहा है? कहाँ का है? तो उस व्यू से रिलेटेड देखो अभी कितने लोग बेच रहे हैं। ये लोग सब क्या है? रीसेलर है। ये देखो इनका रेट क्या है, 1279 है, 0.27 है। ये भी ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, मिनिमम एक क्वांटिटी बेच रहा है, मैक्सिमम इतना है। ये देखो 4990 पे बेच रहा है, यूपी में बेच रहा है। ये 4990 सेम यूपी में बेच रहा है कोई। तो देखो कितने सारे लोग ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कितने सारे। जो सबसे कम रेट में दे रहा है उनका ही रेट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, पर जरूरी नहीं कि उसको ऑर्डर मिले। वो कहाँ पे बेच रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका लोकेशन, उनका प्राइस और उनका मिनिमम और अवेलेबल, ये सब कुछ मिला के डिसाइड होता है जो ऑर्डर किसको मिलेगा। उसके अकॉर्डिंगली जो सबसे कम प्राइस में देगा उसको वो ऑर्डर मिलेगा। जैसे 100 रुपीज वाला, देखो 100 रुपीज वाला कौन 100 रुपीज में बेच रहा है? ये बेच रहा है, ये जम्मू वाला। तो जम्मू का कोई बायर आया तो ही इसको ऑर्डर मिलेगा, वो भी कितना तक? 7-7 क्वांटिटी तक। यदि कोई बायर को 7 से ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो इनको ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा, और जम्मू का ही होना चाहिए तभी ऑर्डर मिलेगा। जम्मू का ही होना चाहिए और सबसे 7 क्वांटिटी तक होना चाहिए, 7 से ऊपर नहीं मिलेगा तो ही इसको ऑर्डर मिलेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट है उनको ऑर्डर चला जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंगली लिस्टिंग करना, इसको बोलते हैं पेयर। जब हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और हम उसको लिस्ट करते हैं तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर। क्लियर है? कोई डाउट से तो बता दो। हाँ सानिया मैडम, बोलिए मैडम। आवाज आ रही है हमारी? और किसी को कोई डाउट्स, कुछ पूछना है? दूसरा प्रोसेस पेयर के बाद क्लोन, क्लोन आता है। क्लोन, हम जब कोई प्रोडक्ट को सिर्फ स्पेसिफिकेशन को कॉपी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं क्लोन। स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे मुझे अपना एलईडी लाइट ही बेचना है पर इसके स्पेसिफिकेशन सेम होंगे। मेरा प्रोडक्ट भी 45 वाट का है, 100 इंच का ही है, 2 कंट्रोलर है, -20 to 50 degrees है और वारंटी 1 साल, ठीक है। नीचे की जो स्पेसिफिकेशन ये भी सेम है, एसी ग्रेटर देन 0.95 है, ये यस है, सेम है। मेरा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है पर मेरा प्रोडक्ट देखने में अलग है, थोड़ा ब्रांड अलग है, मॉडल अलग है, एमआरपी अलग है। तो ऐसे को यदि यही वाला प्रोडक्ट का सिर्फ जब हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन को कॉपी करेंगे तो इसको बोलेंगे क्लोन। क्लोन से हमेशा प्रोडक्ट नहीं होता, क्लोन बाद में कन्वर्ट हो जाता है इसमें, या तो पेयर में और या फिर न्यू में, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लोन के दो पार्ट आ जाते हैं। क्लोन हमेशा सिर्फ क्लोन से प्रोडक्ट पब्लिश नहीं होता, जब हम कोई प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन को कॉपी करते हैं तो हम ये प्रोसेस को बोलते हैं क्लोन। सिर्फ स्पेसिफिकेशन को कॉपी करना। थर्ड तरीका है न्यू, न्यू नया एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट हम अपलोड करें। ये वाला प्रोडक्ट किसी ने तो पब्लिश किया होगा पहले, ऐसा मुझे भी अपना प्रोडक्ट पब्लिश करना। पर कब पब्लिश कर सकते हैं? जब मार्केट में इसका कैटेगरी अवेलेबल हो। यदि मार्केट में ये कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोडक्ट पब्लिश नहीं कर सकते। जैसे एलईडी लाइट अवेलेबल है तो कर सकते हो, जो भी कैटेगरी अवेलेबल है। यदि कैटेगरी अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोडक्ट पब्लिश लिस्टिंग नहीं कर सकते। कैटेगरी अवेलेबल रहा तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। अभी मुझे मेरा प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट 45 जगह 50 वाट का करना है, 100 इंच की जगह 101 इंच का करना है, मेरा प्रोडक्ट 3 कंट्रोलर के साथ आता है,
तो मैं अपना ऐसा फ्रेश प्रोडक्ट, मेरे फोटोज, मेरे ब्रांड्स, जो भी मुझे ब्रांड का चाहिए उसका मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नया प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकता हूँ। इसको लिस्टिंग करने के लिए नया प्रोडक्ट को मिनिमम 2 डेज, जनरली 1 डेज में भी हो जाता है कभी कभी, 1 डेज मिनिमम लिख देते हैं, मैक्सिमम 7 डेज तक लगता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगता है नया प्रोडक्ट के लिए, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट। पहला रेट है, एमआरपी, एमआरपी आपको देना पड़ेगा, एमआरपी के लिए कोई प्रूफ देना पड़ेगा एमआरपी का, इस प्रोडक्ट का इतना एमआरपी है। और दूसरा है प्रोडक्ट के फोटो, 3 फोटो अवेलेबल है, और स्पेसिफिकेशन, इनका जो स्पेसिफिकेशन है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है उसके बारे में डिटेल्स, 3 चीजें होनी चाहिए, तो आप कोई भी प्रोडक्ट नया अपलोड कर सकते। तो ये 3 तरीका है प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कुछ पूछना है यहां तक में? चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। ये तो हो गया प्रोडक्ट, है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट का तरीका। सर्विस, अभी हम आते हैं सर्विसेस, सर्विसेस, सर्विसेस में हमेशा एक ही है, वो है नया, ना पेयर है, ना क्लोन है, ना कुछ, हमेशा सिर्फ ओनली न्यू। आप कोई भी सर्विसेस में नया अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, अपना रेट, अपने तरीके। यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट में दिख रहा है कौन कौन बेच रहा है, क्या रेट में बेच रहा है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। सर्विसेस में ऐसा अवेलेबल नहीं, सर्विसेस में सिर्फ नया डालना है, किसी भी कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सर्विसेस में कौन बेच रहा है, क्या है, ये अपने को प्रोडक्ट में ही पता चलता है, सर्विसेज में पता, सर्विसेज में सिर्फ सर्विसेज क्या क्या है वो नाम आएगा। देखो यहाँ पे सर्विसेज में, तो जो भी सर्विसेज है वो नाम आ सकते, जैसे कि मुझे मैन पावर से, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस, है ना, यहाँ पे आ जाता है मैन पावर आउटसोर्सिंग मिनिमम वेजेस, सर्च आ गया। अभी यहाँ पे नहीं दिखता, हाँ रेट यहाँ पे जरूर पता चल जाता है थोड़ा डिटेल, पर नाम वगैरह नहीं आता, सबका रेट आप यहाँ से सर्च करके पता कर सकते हो, जनरली कौन क्या रेट में डाला हुआ है, ये एक आइडिया आपको आ सकता है। टोटल कितने हैं, 21,108 लोग इस सर्विसेज में, कोई ऑल ओवर इंडिया से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज हमेशा नया ही डालना पड़ता है, इसमें कोई पेयर या क्लोन, ये सर्विसेज का। तो ये कैटलॉग मैनेजमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलॉग। कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है? नेक्स्ट टॉपिक्स आते हैं अभी, हाँ बोलिए, कुछ पूछना है तो बताइए। अनम्यूट करके पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट्स रहा तो। ओके नेक्स्ट, हम लोगों ने कैटलॉग देख लिया प्रोडक्ट और सर्विसेज के, पर प्रोडक्ट में और एक है, हाँ वाई आर बी बोलिए सर। सर ये बोल रहे हैं जो नगर परिषद में क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए जो सालाना टेंडर निकलता है, तो वो भी जेम के थ्रू ही सर्विसेज में आता है सर वो? बराबर बोलिए। तो सर वो जेम के थ्रू ही उसका भी बीडिंग, मतलब वो सर्विसेज जो अवेलेबल होते हैं, बीड होते हैं, जेम के थ्रू ही होते हैं ना सर? हाँ जेम के थ्रू से हो सकता है, अभी बायर पे है, जे बायर कहाँ निकल रहा है, यदि वो जायर जेम पे निकल रहा है तो जेम पे मिलेगा, वही प्रोक्योरमेंट पे निकालेगा तो ये प्रोक्योरमेंट पे मिलेगा। अच्छा वो दोनों में से, अच्छा किसी पे निकल सकता है ना सर? हाँ जनरली अभी रूल तो बायर को किया गया है कि जेम पे निकालने का, पर अभी भी
ये प्रोक्योरमेंट में भी निकलते हैं पर धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके सर, थैंक यू। और बोलिए सर, किसी को कुछ और पूछना है? आते हैं नेक्स्ट, हमारा कैटलॉग हो गया। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट में और एक पार्ट है। देखो प्रोडक्ट में कैसा है, कोई भी प्रोडक्ट आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जैसे हम लोगों ने टीवी सर्च किया होगा। अभी यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर भी कुछ कैटेगरीज, जैसे यहाँ पे टीवी के आगे क्या लिखा है, Q2, इसमें क्या लिखा है Q3, इसमें क्या लिखा है Q3, इसमें भी Q3, इसमें भी Q3, इसमें भी Q3। जैसे आपको यहाँ पे चार इसके आगे मिलेंगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ऐसे चार मिलेंगे। हर एक कैटेगरी को ऐसे चार कैटेगरी में डिवाइड किया है, मतलब वो कैटेगरी तो या तो Q1 का पार्ट होगा, या तो Q2 का होगा, या तो Q3 का होगा, या तो Q4 का होगा, ऐसे चार कैटेगरी में। यदि Q1 का प्रोडक्ट देखेंगे, कोई भी प्रोडक्ट Q1 का, कोई भी प्रोडक्ट जो Q1 से बिलोंग करता है, कोई भी कैटेगरी जो Q1 से बिलोंग, यहाँ पे से प्रोडक्ट OEM ही बेच सकता है, यहाँ पे रीसेलर को एंट्री नहीं है। Q1 के कोई भी कैटेगरी में रीसेलर को एंट्री नहीं है, ओनली OEM ही है। OEM मतलब मैन्युफैक्चरर। Q2 में बात करते, Q2 में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो आप, प्रोडक्ट एज ए यहाँ पे दोनों है, OEM भी है और रीसेलर भी, दोनों है, दोनों है यहाँ पे कर सकता है। बट यदि एज ए रीसेलर हो तो विथ ऑथराइजेशन लगेगा, यहाँ पे ऑथराइजेशन मस्ट है, आपको ऑथराइजेशन लेना ही पड़ेगा OEM से, तो ही आप ये प्रोडक्ट बेच सकते, जैसे कि यहाँ पे टीवी, आपको ये टीवी को बेचना है तो आप नहीं सेल करते एज ए रीसेलर, आप एज ए रीसेलर नहीं बेच सकते। देखो ये इसको हम नहीं बेच सकते, मुझे ये जो ब्रांड है इनसे ऑथराइजेशन लेना ही पड़ेगा तो ही हम ये टीवी बेच सकते, क्योंकि ये Q2 से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट कहां से बिलोंग करता है, Q2 से। ये रूल है Q2 कैटेगरी का, और इसमें आप नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते। Q2 में आप क्या नहीं कर सकते, न्यू प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकते, एज ए रीसेलर, रीसेलर के लिए बोल रहा हूं, नया प्रोडक्ट अपलोड करने का राइट सिर्फ OEM को है, जो मैन्युफैक्चरर है वही नया प्रोडक्ट अपलोड कर सकता, रीसेलर नया प्रोडक्ट अपलोड नहीं कर सकता। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पेयर कर सकते हो, Q2 का प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, ओनली पेयर कर सकते हो विथ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन नंबर होना चाहिए। जो Q3 में है वो भी OEM और रीसेलर दोनों सेल कर सकते हैं, OEM भी रीसेलर भी, यहां पर भी ये डिपेंड अपॉन OEM, कुछ प्रोडक्ट में आपको ऑथराइजेशन नंबर के बगैर बेच सकते हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे विदाउट ऑथराइजेशन बेच सकते हो, यहाँ पे आप नया प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकते हो एज ए न्यू प्रोडक्ट। और Q4 के कैटेगरी में आपको ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती, जनरली मैक्सिमम प्रोडक्ट में नो नीड फॉर ऑथराइजेशन, मैक्सिमम में OEM भी रहा, OEM चाहे तो आपको निकाल सकता है पर आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो सकता है, ये Q4 कैटेगरी के। क्लियर है, कोई डाउट से तो बताओ, Q1, Q2, Q3, Q4 सबसे ज्यादा डिमांड Q2 का रहता है मैक्सिमम लोगों का, Q2 में ही सब बड़े बड़े प्रोडक्ट आते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, प्रोजेक्टर, टीवी, एसी, ये सब Q2 का है, फॉगिंग मशीन, ऐसे बड़े इक्विपमेंट, ये सब Q2 कैटेगरी में। अभी तो A4 कॉपियर भी Q2 में चला गया, कॉपियर पेपर, और ये जेम बदल भी सकता है, राउटर, स्विच, सब Q2 में, IT के मैक्सिमम प्रोडक्ट, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, ये सब Q2 से बिलोंग करता है। हाँ YRB, बोलिए क्या नाम बोलिए सर आपका? यशस्वी सर। तो ये कैसे पता चलेगा सर कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रहा है? यहाँ पे आपको सर्च करेंगे तो पता चल जाता है, जैसे मैं देखा यहाँ पे, मुझे देखना था टीवी तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया,
टीवी बोल के जैसे यहाँ पे सर्च कर दिया, ये देखना है प्रिंटर, मैं यहाँ प्रिंटर बोल के सर्च कर दूंगा, प्रिंटर बोल के सर्च कर दूंगा मुझे आ जाएगा। रिसिप्ट प्रिंटर Q3 में है, लाइन मैट्रिक्स Q2 में, बार कोड Q3 में, स्मार्ट कार्ड प्रिंटर Q2 में, रिस्ट टैग Q2 में, कंप्यूटर प्रिंटर Q2 में। यहाँ पे देखो पूरा प्रिंटर के रिगार्डिंग आपको कैटेगरी बता दिया सब, किस कैटेगरी में कौन सा, कौन Q3 में है, कौन Q4 में है, कौन Q2 में है। ओके सर। कंप्यूटर प्रिंटर Q2 में, इस पे क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर प्रिंटर में जो भी प्रोडक्ट है वो खुल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, बोलिए और किसी को कुछ पूछना है। सर ये बायर डिसाइड करेगा ना कि मेरे को Q1 चाहिए, Q2 चाहिए, Q3 या फिर Q4? हाँ देखो ऐसा तो बायर नहीं डिसाइड करेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है उसी में आएगा ना। अब प्रिंटर, ये वाला प्रिंटर दूसरा कहीं नहीं मिलेगा, आपको यहीं पर मिलेगा। अच्छा, मतलब जो ब्रांडेड है वो Q1 Q2 में है। ब्रांडेड की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो ये कंप्यूटर प्रिंटर बोला तो कंप्यूटर प्रिंटर का एक ही कैटेगरी है Q2 में, बाकी जो प्रिंटर है वो अलग प्रिंटर है, ये कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है। अब बाकी भी प्रिंटर देखेंगे वो प्रिंटर है, अलग प्रिंटर है। अभी जैसे लाइन मैट्रिक्स देखेंगे या बार कोड देखेंगे, रिसिप्ट प्रिंटर देख लो, तो ये कंप्यूटर प्रिंटर दिख रहा है क्या आपको? अभी लोग कुछ लोग अलग प्रिंटर अपलोड कर देते हैं वो अलग बात है, पर वो एक्चुअली नहीं होता। देखो अभी ये कैसा है, ऐसा प्रिंटर दिख रहा है, तो ये आपका कंप्यूटर प्रिंटर नहीं है। तो आपको क्या चाहिए आप वो डिसाइड करोगे ना सर बायर को, तो उसके लिए कैटेगरी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी अलग अलग। यस श्वेता सर पूछ रहे हैं व्हाई दिस बाइफिकेशन, ऐसा 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 उनको कुछ क्वेरी है। ये जेम का रूल्स बनाया है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि जो एक्चुअल रूल कैसा है कि कुछ, जैसे अभी कंप्यूटर, तो कुछ गलत प्रोडक्ट ना आ जाए मार्केट में, जो अवेलेबल ना हो गलत तरीके से, इसलिए ऐसा उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए। पहले मैं कोई भी प्रोडक्ट Q2 में होता ही नहीं था, धीरे धीरे लिस्ट बढ़ाता गया, उन लोगों ने शिफ्ट करता गया जेम के पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली और गवर्नमेंट के नॉर्म्स, जो लोग जेम को हैंडल कर रहे हैं। अभी उन लोगों ने कोई चीज को Q2 में डाल दिया तो Q2 में हो गया। जैसा है देखो, हम जेम को बदल नहीं सकते, ना हम बदल सकते ना आप बदल सकते, ये चीज हमेशा एक चीज क्लास से पहले जाते, ये कॉमन क्वेरी है। नहीं मुझे ऐसा करना है, तो बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दो जो मुझे ऐसा चाहिए, जेम को क्या चाहिए उसके हिसाब से आपको बदलना है। यदि आप ऐसा बदल पाए अपने को तो आप जेम पे टिक पाओगे, और नहीं तो फिर आप जेम पे ऐसे प्रोडक्ट में काम करना बंद कर दो। तो जेम को जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको बदलना है, आप जेम को नहीं बदल सकते। ये प्रिंटर मुझे बोलेगा मैं विदाउट ऑथराइजेशन का क्यों नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकते, एज ए रूल है वहां पे Q2 के कैटेगरी में है तो बदल, अभी Q3 में आना चाहिए था उसको, हमारे बोलने से नहीं होगा। यदि आपको बेचना है तो आप बेचो Q2 में, इसलिए आपके बोलने से जेम नहीं बदलने वाला, तो बदलना आपको। हाँ, अल्टरनेट सॉल्यूशन के बारे में आप सोच सकते हो, जो मैं आपको आगे बताता जाऊं, जो ठीक है ऐसा नहीं बेच सकते तो क्या दूसरा कोई तरीका है क्या बेचने का, तो कुछ अलग तरीका है तो वो मैं आपको आगे क्लास में बताते रहूंगा। सर हेलो, सर ऑथराइजेशन कंपनी वाले आसानी से दे देते हैं सर कि उसमें कुछ देखो एक बार ट्राई करके मिलता है क्या ऑथराइजेशन? सर आप बताएं। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब सर ये सिर्फ प्रिंटर में, सर जैसे जैसे ई रिक्शा मुझे सप्लाई करना था तो हाँ। वो जो कंपनी है गाजियाबाद का, तो वो जो डीलर है उसका, वो बोला मैं आपको ऑथराइजेशन दे दूंगा लेटर पैड पे बना के, तो ई रिक्शा में वैसे चल जाएगा ना सर? चल जाएगा। देखो सर क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, जनरली Q2 के जो प्रोडक्ट है उसका तकलीफ होता है, Q3 उतना में तकलीफ नहीं होता। अभी रिक्शा ई रिक्शा गार्बेज रिक्शा, अभी ये किस कैटेगरी में है? Q3 में। तो जनरली Q3 में ये नहीं मिला तो दूसरा मुझे मिल जाएगा विदाउट ऑथराइजेशन, है कि नहीं? चलो ये वाला OEM बेच रहा है ना, तो ये वाला तो मैं बेच सकता हूँ, ये ब्रांड का प्रोडक्ट, ये ब्रांड का बेच, मेरे पास अल्टरनेट सॉल्यूशन अवेलेबल,
जो Q2 में सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं। मतलब Q2 में बेसिकली IT के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे हैं, बड़े इक्विपमेंट्स हैं, एसी है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज है ना, और भी ऐसा बहुत सारी चीजें, बड़े इक्विपमेंट्स, मेडिसिन के वगैरह बहुत सारे हैं, ऐसा फॉगिंग मशीन है, तो ये आपको सर्च करने से ही पता चलेगा, फॉगिंग मशीन दे दो तो वो भी Q2 के रिगार्डिंग में, मुझे जो पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉगिंग मशीन है, ये भी Q2 में, कॉपियर पेपर है Q2 में, कॉपियर पेपर, कॉपियर, क्लीन कॉपियर पेपर, ये Q2 में, ठीक है, बोलिए और कुछ? हम लोगों ने यहाँ पे Q2 देख लिया, और यहाँ पे दो तरीका है, एक रीसेलर, रीसेलर के कुछ नहीं, जो रीसेलर बेचते हैं वैसा बेचना है, यदि आपको यहाँ पे OEM बनना है, एज ए मैन्युफैक्चरर कुछ बेचना है, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको OEM बनना पड़ेगा, यहाँ पे OEM बनना पड़ता है, सिर्फ आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हो, तो यहाँ पे एज ए OEM प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, आपको यहाँ पे OEM बनना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं वेंडर असेसमेंट, जिसके लिए 2 साल के 13,200 रुपया चार्जेस है, और आपको गवर्नमेंट को, जेम को सब कुछ वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आप OEM बनेंगे, तो फिर अपना प्रोडक्ट एज ए OEM बेच पाएंगे, जो प्रोसेस है वो हम लोग आगे आगे डिस्कशन करेंगे एक एक करके, फिलहाल सिर्फ हम लोग शॉर्ट समरी में चलते हैं। कुछ डाउट्स है, किसी कोई पूछ रहा था कुछ? हेलो, हाँ बोलिए सुधा सर। जैसे कोई स्टेशनरी का शॉप है मेरा, तो मुझे A4 पेपर बेचना है, तो उसके लिए भी लीगल परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद में Q2 में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल हर प्रोडक्ट के लिए मुझे लीगल ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। हाँ, जो भी आप कंपनी का बेचेंगे, जैसे अभी यहाँ पे 3 प्रोडक्ट है मान लो अलग अलग ब्रांड का, तो आपको यदि Moonlight का बेचना है तो Moonlight से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, वेल का बेचना है तो वेल से अलग ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ये लेना ही पड़ेगा, Q2 कैटेगरी में इसके छोड़कर नहीं, Q3 में भी है, पर डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ब्रांड, डिपेंड अपॉन ब्रांड, वो हम लोग आगे आगे बताऊंगा, पर Q2 में मस्ट लेना ही पड़ेगा, अल्टरनेट ऑप्शन ही नहीं। बाकी जेम के ये नॉमिनल रूल्स है, और यदि रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन के लिए बता देता हूँ एक बार, जनरली सबके पास रहता है फिर भी मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ, आधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, बैंक अकाउंट मैंडेटरी, ये आपको देना ही पड़ेगा, ये छोड़कर क्या क्या और लगेगा, GST, ITR, MSME है तो, या उद्यम बोलते हो, मैंडेटरी नहीं है, है तो स्टार्टअप अवेलेबल है ना, है तो लगेगा नहीं तो नहीं, ये ऑप्शनल है तो लगेगा नहीं तो छोड़ सकते। GST और ITR में कुछ नॉर्म्स है, GST आपको लगेगा ही लगेगा, इसलिए हम इसको उठाकर फिलहाल यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि अभी GST मैंडेटरी हो गया है, पहले जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उनको जरूरत नहीं था। ITR यदि आपकी कंपनी 2 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है तो ITR की जरूरत नहीं है, 2 साल से ज्यादा पुरानी है तो ITR भी मैंडेटरी के लिस्ट में आ जाएगा। MSME उद्यम
सर आईटीआर करंट ईयर का चाहिए या कोई भी तीन साल पिछला तीन साल में कोई भी एक साल का चलेगा। तो ये आपके मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन, साथ में मिनिमम 5000 रुपीज डिपॉजिट, 5000 रुपए का डिपॉजिट है ना, इसको बोलते हैं कॉजल मनी। इतने सारे चीजें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, ये डिपॉजिट अमाउंट है, लगेगा ही लगेगा। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जीएसटी के बारे में जो बोल रहे हैं, हमारा इधर में आसाम में तो जीएसटी मैंडेटरी नहीं है 40 लाख के नीचे में होने से, तो अभी भी मैंडेटरी ये किया इधर में। हां जीएम पे मैंडेटरी, एक्चुअली जीएम पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं ले सकते विदाउट जीएसटी। ऑर्डर लेंगे तो आपका वो ऑर्डर इनवॉइस जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। जीएसटी रेगुलर ही चाहिए या कंपनसेशन पे चलेगा? कंपनसेशन भी चलेगा। सर ओईएम जो बोला है वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका प्रोसेस क्या? ओईएम के बारे में जो बोला था, हाँ उसको कैसे मतलब रजिस्टर कर सकते हैं इसके लिए हम आगे बताएंगे। हम यहाँ पे कोई भी प्रोसेस डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको एक स्टोरी दे रहा हूँ क्या क्या चीजें होती है क्या क्या। हाँ जेब में अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए नेट बैंकिंग का नहीं रहता है, आपको एनएफटी आरटीजीएस करना पड़ेगा, वहां से आप करके पैसा जमा कर दो या बैंक में जाके जमा कर दो, उसमें अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। चलो आगे, तो ये हो गया नॉमिनल, ये अकाउंट के लिए आपको ये सब डिटेल्स लगेगा, 5000 डिपॉजिट कर देंगे। साथ में जेब में क्या पैसा लगता है, यदि आप टेंडर भरोगे तो ईएमडी लगेगा, एनएस मनी डिपॉजिट, ये एक डिपॉजिट है। जब भी मैं डिपॉजिट के बारे में बात करूंगा तो ये रिफंडेबल, फीस बोलूंगा तो रिफंडेबल नहीं है, कोई भी जेब को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगता। उसके बाद टेंडर में डिपेंड है, ईपीवीजी हो सकता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। तो ये टेंडर मिला और टेंडर में नॉर्म्स रहा तो देना पड़ता है, टेंडर भरते वक्त नहीं देना पड़ता है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। ये टेंडर में नॉर्म्स रहा और टेंडर मिला तो देना पड़ता है, ये डायरेक्ट परचेज में ये दोनों चीजें नहीं लगती, टेंडर में ही लगता है। ईएमडी लगा तो देना पड़ेगा, टेंडर में रहा तो नहीं, लगा तो नहीं, ये टेंडर भरते वक्त ही देना पड़ता है, ये टेंडर भरते वक्त नहीं देना पड़ता। यदि टेंडर में नॉर्म्स लिखा रहा तो ही देना पड़ेगा, और वो भी कब, यदि आपको ऑर्डर मिला तो, नहीं तो नहीं। सर एक मिनट मेरा क्लियर होने दो, नहीं तो हैंड रेज करो, मेरा क्लियर होने दो, मैं आपको पूछने के लिए हमेशा टाइम, ठीक है। ये दूसरा तरीका है, यहाँ पे टेंडर में पैसा लगता है, ये दो तरीके जनरली, इसकी परसेंटेज कितने हो सकते हैं, 0.5% तक हो सकता है डिपेंड अपॉन टेंडर, पर ये सिर्फ ओनली फॉर टेंडर ईएमडी। हाँ कुछ चीजों में आप एग्जम्पशन रहता है, एग्जम्पशन किसको मिलता है, रीसेलर को एग्जम्पशन नहीं है, एज ए ओएम हो तो आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, आपके पास एनएसआईसी या उद्यम है, स्टार्टअप है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो आपको ये पैसे में छूट मिल सकता है, मतलब ईएमडी नहीं भरना पड़ेगा, बट ओनली ओएम को, रीसेलर को नहीं। बोलिए किसको डाउट्स है? नहीं सर वही डाउट्स था, मतलब जो ईएमडी है वो कंसेप्शन किसको रहेगा? हाँ इसलिए बोला मेरा लेक्चर हमेशा खत्म करने दो मुझे टॉपिक्स, उसके बाद पूछने का। बिल्कुल सर। दूसरा मैं और किसी को कुछ डाउट्स है? हाँ एक थोड़ा डाउट था मुझे। हाँ बोलिए ना पराग सर। ये ईएमडी जो रहती है, हाँ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन रहते हैं ना? ऑनलाइन नहीं, इसको बीजी के रूप में भरना पड़ता है, बैंक गारंटी। कितने दिन में रिटर्न होता है? इसमें डेट रहता है ईएमडी में, जो आप बीजी बनाओगे तो बीजी में डेट लिखा रहता है। बीजी तो मुझे बैंक से बनाना पड़ेगा ना, ईएमडी में तो ऑनलाइन है, उनके जैसे ईएमडी बीजी के रूप में ही देना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे ईएमडी बीजी के रूप में ही देना पड़ता है, बैंक गारंटी के रूप में ही देना पड़ता है। अगर बीजी नहीं तो एफडी कर सकते? नहीं कर सकते, बीजी ही चाहिए आपको। बीजी के लिए अपना मेरा जैसे कि बैंक है कनाडा बैंक है, हाँ जो भी है वो बैंक के जो भी नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करके, बता रहा जैसे ईएमडी अगर वो अपना 10,000 है 5,000 है तो
तो वो बहुत ये करते कि नहीं नहीं बन पाएगा इतना कम। सर मेरा कंसर्न वो नहीं है, वो आपके और बैंक के रिलेशन के बीच है। अच्छा, वो बैंक में आपको जाना है, बैंक को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मुझे आप एफडी को फिक्स करके रख दो या फिर कैश डिपॉजिट करके बीजी निकाल लो कैसे भी, या फिर आपके पास यदि क्रेडिट फैसिलिटी है तो क्रेडिट फैसिलिटी का यूज करके आप निकाल लो कैसे भी निकालो, पर जेएम को सिर्फ बीजी लगता है। ईएमडी में बस बिल लगेगा ना, यानी उनके इसमें जेएम के पोर्टल में जाके उनको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है ना? ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, ओनली बीजी के रूप में ही देना है हर टेंडर में ना। हर टेंडर में। हां सर, भाविन बोल रहा हूं। हां बोलिए सर। ये जो 5000 रुपीस डिपॉजिट जो है कॉशन मनी बोलते हैं राइट? हां, ये एक ही टाइम भरना रहता है ना? हर वन टाइम। यस, आपका यदि टर्नओवर बढ़ गया तो आपको भरना पड़ेगा। नहीं, अब मैंने एक टेंडर लिया था तो मेरे को मैंने भरा है। हाँ, तो ये रिटर्न होता है कि ये नहीं रिटर्न नहीं? जब आप अकाउंट क्लोज कर देंगे तो आपको पैसा रिफंड आ जाएगा। अच्छा, जब अकाउंट क्लोज होता है तब। सो वंस आई हैव पेड दैट मींस आई कैन कंटिन्यू वर्किंग विद जेम राइट? यस यस। ओके, थैंक यू। ओके, कितना टर्नओवर, कितना टर्नओवर बढ़ने के बाद? 100 करोड़ से 500 करोड़ रहा तो ये 10,000। नहीं नहीं, सॉरी, ये रूल्स बदल दिया गया। अभी शायद 20 करोड़ कर दिया है, 10 या 20 करोड़ कर दिया। हाँ, 20 करोड़ के ऊपर गया तो ये थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा, कुछ नॉर्म्स बदला है। पहले 100 करोड़ था, 100 करोड़ तक 5000 है, 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच जो था वो सॉरी 100 हाँ 10,000 था और 500 करोड़ के ऊपर 25,000 था। अभी ये नॉर्म्स बदल दिया है, शायद ये 20 करोड़ किया है या फिर 5 करोड़ की। अभी ये लॉजिक थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ नियम्स में बदलाव किया था। तो जो भी है आपको वो पोर्टल में आ जाता है, जो भी पोर्टल में आ जाएगा उतना डिपॉजिट करना है। हेलो सर, मिनिमम जो है 5000 है ही। हेलो, हाँ भाई। अभी आपने जो ये रजिस्ट्रेशन का बोला, ये मतलब बायर का नहीं कहा ना आपने? नहीं, आपने बायर के बारे में, बायर के आगे बताओ। बायर का आगे, ठीक है। मुझे दूसरा ये पूछना था, ये जो ईएमडी अमाउंट रहता है, ये जो टेंडर वैल्यू रहा उसका 0.5 रहेगा या 5 जो भी है? 0.5 to 5 वो बायर डिसाइड करेगा कितना लेना है टेंडर वैल्यू का। टेंडर वैल्यू का तो मुझे आइडिया आ जाएगा ना, एक अंदाजन मोटा मोटा इतना का वो टेंडर का वैल्यू है, उस हिसाब से उन्होंने ईएमडी डिसाइड करेगा। क्या चाहिए मुझे अगर ये पता करना है कि ये टेंडर, इसका टेंडर वैल्यू कितना है, तो कैसे क्या डिसाइड करूंगा मैं? ईएमडी यदि है तो ईएमडी के बेस पे डिसाइड कर लो, का परसेंटेज वगैरह। अगर आप जैसे परसेंटेज बोल रहे 0 टू 5 सर, वहां पे सब कुछ लिखा रहता है, परसेंटेज वगैरह लिखा रहता है। अच्छा, कितना परसेंटेज है ये सब लिखा रहता है। ओके, हाँ चलेगा, यदि जीरो बता रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपने 2021 से पहले जिन लोगों ने अकाउंट किया था उनको जीरो ही बताता है, उनको पैसा भरने की जरूरत थी। मैं आगे बता दूंगा कि यहाँ पे आपको दिखा रहता है और उसके अकॉर्डिंगली पैसे भरने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, जितना बोलेगा उतना भरना पड़ेगा। उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बोल के आता है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट जितना बता रहा है उतना पैसा भरना पड़ेगा। यदि थ्रेशोल्ड लिमिट आपको जीरो बता रहा है तो भरने की जरूरत नहीं। यदि थ्रेशोल्ड लिमिट 5000 बता रहा है तो 5000 भरो, 10000 बता रहा है तो 10000 भरना पड़ेगा, 25000 बता रहा है तो 25000। सर दूसरा मुझे और एक प्रश्न था। हाँ, ये ईएमडी का अपन जो बीजी बनाते हैं, हाँ, ये कितने मंथ के लिए बनाना पड़ेगा? सर उसमें टेंडर में सब कुछ लिखा रहता है, इसलिए उसके लिए टेंडर का आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें ईएमडी का फॉर्म टेंडर के अकॉर्डिंगली ये सब चले, जैसा टेंडर में बोला है उसके हिसाब से ये सब टेंडर में लिखा रहता है, क्लियरली मेंशन रहता है। नहीं था, तो वही बोला 2021 से मतलब 20 अक्टूबर से पहले, 20 अक्टूबर 2020 से पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उनको कॉशन मनी भरने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों ने उनके बाद वो अकाउंट बनाया उनको सबको कॉशन मनी। लेकिन सर एक तो बात है, हमारा पुराना अकाउंट एक रीओपन करना चाह रहे हैं हम, लेकिन इस पैसा को फिर से डालना पड़ा, पुराना अकाउंट ही था हमारा, लेकिन क्यों मांग रहे तो वो तो हमारा पुराना अकाउंट ही था। अभी ये जेएम के पॉलिसीज है, मांग रहा है तो देना पड़ेगा। हाँ वही है, लेकिन पुराना अकाउंट था हमारा। मैं बात वो नहीं कर रहा हूँ,
नहीं बोल रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मांग रहा है, अरे मांग रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, देना ही पड़ेगा। इसे सर से हम हमारा केस में हुआ है ना, इससे और भी आप लोगों को सुनाई दिया है, हो सकता मांग है, ये मांग सकते हैं, जिनका चालू है उनको नहीं मांग रहा है, जिनका पुराना है। अब जेम के पॉलिसीज में जैसे बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज हो जाना पड़ेगा। अभी ये मांग रहा है तो नहीं मांगना चाहिए ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, मांग रहा है तो देना पड़ेगा। एक नॉर्म्स में आपको बताते जा रहा हूँ, देखो बाकी यहाँ पे मेरे हाथ में नहीं है जेम, जो मेरे बदलने में कुछ बोल दूंगा तो उससे बदल जाएगा, मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ जेम के जो नॉर्म्स है, जो क्राइटेरिया है, वो आपको सिर्फ समझा सकता, मैं बदलने का काम मैं नहीं कर सकता, है ना। मांग रहा है तो भर दो, नहीं भरोगे तो काम नहीं कर पाओगे। देखो जेम पे जो भी चीजें हैं, जो भी डिसाइडेड है, जो बोल रहा है वो देना पड़ेगा क्लियरली रूल। अभी मैंने कुछ नॉर्म्स बताए, उसमें कल कुछ बदलाव हो गया और चेंजेस हो गया रूल, तो आपको देना पड़ेगा। अभी ऐसा बोलेंगे सर ऐसा तो सर ने बताया नहीं था, बिल्कुल नहीं, नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। जेम्स बता रहा है जेम में जैसा नॉर्म्स है, जैसे रूल्स है, वैसा करना पड़ेगा। जनरली बता रहा हूँ मैं, हमेशा कोई भी चीज हमेशा आपको नहीं बोला ऐसा ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं सब कुछ का बता रहा हूँ। जैसे पैर बोला 5 से 6 घंटा लग सकता है, अभी कोई प्रोडक्ट को 2 दिन लग गया तो लग सकता है, सर्वर में कोई प्रॉब्लम रहा तो आपने बोलेंगे सर ने तो 6 घंटा बोला था, क्यों लगा 2 दिन। जनरली बताओ 99% ऐसा ही होता, 1% कभी हो सकता है, ये मैं बता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या पैसा लगता है, और एक पैसा भरना पड़ता है 20 लाख। यदि आपको 20 लाख तक ऑर्डर मिलता है साल में, फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी चार्जेस नहीं है, नो चार्जेस। जिस दिन आपके अकाउंट में 20 लाख क्रॉस हो जाएगा, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर है ऑर्डर, 20 लाख क्रॉस कर जाओगे, ऑर्डर वैल्यू का 0.5% आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, मतलब 20 लाख का 0.5% भरना पड़ेगा। ठीक है, ये जेम का नॉर्म्स है, 20 लाख तक कोई चार्जेस नहीं है आपके अकाउंट में, कोई पैसा नहीं बना। जिस दिन 20 लाख क्रॉस करोगे आपको ऑर्डर वैल्यू का पूरे 20 लाख के ऊपर 0.5% भरना पड़ेगा। यदि एक साल में 20 लाख तक का ऑर्डर मिलता है तो कोई चार्जेस नहीं है, पर कोई भी साल 20 लाख को क्रॉस करते हो उसका 0.5% भरना पड़ेगा। फिर हरेक 5 लाख के ऑर्डर से ज्यादा वैल्यू पे आपको हर एक ऑर्डर पे 0.5% भरना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस या ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लोग बोलते हैं, ये जेम के नाम से। हाँ UIRB बोलिए सर। सर तो जैसे मतलब एक ऑर्डर हम कंप्लीट कर दिया 10 लाख का, फिर अगला ऑर्डर कोई हमको मिला मान लीजिए 40 लाख का सर, तो वो चार्जेस कितने पे लगेंगे? 50 लाख के ऊपर भरना पड़ेगा आपको। क्या सर? आपको 50 लाख के ऊपर, पहले का 10 और अभी का 40 मिलके हो गया 50 लाख, तो 50 लाख के ऊपर 0.5% आपको भरना पड़ेगा। ओ तो मतलब वो अभी तक जितने ऑर्डर किए सबका मिला के फिर भरना होगा। हाँ, हाँ. चार्जेस बोलूंगा तो नॉन रिफंड। चलो तो जनरली जेम के ये सभी नॉर्म्स हैं जो मैंने आपको समझाया, बाकी जेम्स टाइम टाइम पे अपने नॉर्म्स बदलते रहते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर होता रहता है, तो अपडेट होता रहेगा। तो आज के क्लास में इतना ही बताऊंगा, कल से हम लोग एकदम प्रॉपर क्लास चालू करेंगे, मतलब ये जो मैंने आपको सब समझाया ये सब करके प्रॉपर वे से रजिस्ट्रेशन से चालू करेंगे, हर एक चीज आपको एक एक करके बताना चालू करेंगे। ये हमारा कल से लेक्चर एज ए प्रॉपर लेक्चर चालू हुआ, सिर्फ आज हम लोगों ने आपको जेम को इंट्रोड्यूस किया, समझाया सर। सेम कल से 6:30 से लेक्चर होगा, 6:30 से, 6 से नहीं, या 6 से सबको कंफर्टेबल है, 6 से चलेगा लेक्चर?
नहीं, साढ़े छह से ही लिख दूँ इसे। ओके, साढ़े छह।